आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिजाइन लाई हूँ, जो देखने में जितना ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बनाने में उतना ही ज्यादा आसान है। इसे आप लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, बच्चों के स्वेटर में, फ्रॉक में, स्कर्ट में बनाइए, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए छोटे छोटे फूल का ये खूबसूरत सा डिजाइन, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। हम 6-6 फंदे ऐसे गिने तो लास्ट में 3 फंदा आना चाहिए। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डिजाइन और वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम डिजाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 15 फंदे डाले हैं, 12 फंदा और 3 फंदा एक्स्ट्रा। पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारा डिजाइन का लाइन नहीं है बल्कि ये बेस लाइन है। तो पहली लाइन बेस लाइन है और हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए, डिजाइन का पहला लाइन और रॉन्ग साइड। अब हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे और पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब 3 फंदे हम दाहिनी सिलाई पे ले लेंगे, 1, 2, 3, और दूसरे फंदे को उठाएंगे और तीसरे फंदे के ऐसे गिरा देंगे, फिर पहले वाले फंदे को उठाएंगे और तीसरे वाले फंदे के नीचे ऐसे गिरा देंगे। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए। नेक्स्ट फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेट के उल्टा बुनेंगे, फिर सिलाई में हम ऊन लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर इसी फंदे में एक बार और सिलाई में 2 बार ऊन लपेट के उल्टा फंदा बनाएंगे, एक बार और सिलाई में ऊन लपेट के वापस अपनी ओर लाएंगे, ये हो गया चौथा फंदा, और फिर इसी फंदे में एक बार और सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। तो हमने एक फंदे से 5 फंदे बना लिए हैं। अब फिर नेक्स्ट 5 फंदे हम दाहिनी सिलाई में चढ़ा लेंगे और इन एक एक फंदा करके इन 4 फंदों को 5वें फंदे पे ऐसे गिरा देंगे। दूसरा फंदा हमने गिरा दिया, फिर तीसरा फंदा उठाया, इसे भी गिरा दिया, फिर चौथा फंदा उठाया और इसे भी हमने गिरा दिया। तो यहाँ पे हमने 4 फंदों को 5वें फंदे पे गिरा दिया है। यहाँ पे हमने एक फंदे से 5 फंदा बनाया और यहाँ पे 5 फंदे से एक फंदा कर लिया। यहाँ पे 4 फंदे घट गए और यहाँ पे 4 फंदा बढ़ गया, तो हमारा डिजाइन बैलेंस हो गया। तो इन्हीं 6 फंदों को, 5 फंदा और एक 6 फंदा, इन्हीं 6 फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। अब नेक्स्ट फंदे में हमें 1 से 5 फंदा करना है, 2 बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, ये 1 हुआ, फिर ऊन चढ़ाकर वापस अपनी ओर लाएंगे 2, फिर इसी फंदे में सिलाई में 2 बार ऊन लपेट के उल्टा बुनेंगे 3, सिलाई में ऊन चढ़ा के वापस अपनी तरफ लाएंगे 4, और फिर सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे 5। तो हमने एक फंदे से 5 फंदे बना लिए। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे तो 3 फंदों को हम दाहिनी सिलाई में उतार लेंगे और एक फंदे पे क्रमशः दोनों फंदे चढ़ा देंगे। एक और ये दूसरा। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए। शुरुआत में भी हमने 3 का 1 किया था और लास्ट में भी हम 3 फंदों से एक फंदा बना लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमारा ये डिजाइन का पहला लाइन कंप्लीट हुआ। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को इसे हम सीधा बुनेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और इन 5 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे।
एक, दो, तीन, चार, पांच, उन दूसरी ओर करेंगे और सेकंड प्राइमरी कलर वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर करेंगे और सेकेंडरी कलर वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। एक, दो, बुनते जाएंगे और फंदा अपने आप लपेटा हुआ फंदा खुलता चला जाएगा। चार और पांच, उन दूसरी ओर करेंगे और लास्ट में दो फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तीसरी लाइन में सभी फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टे। और चौथी लाइन में सभी फंदे सीधे। अब फिर हम रॉन्ग साइड में हैं और ये हमारा डिजाइन का पांचवा लाइन है। तो अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, तीन फंदों को दाहिने सिलाई में उतार लेंगे और तीसरे फंदे पर पहला और दूसरा फंदा ऐसे गिरा लेंगे। अब अगले फंदे में हमें पांच फंदा बनाना है उल्टा बुनते हुए। तो सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए एक बार उल्टा बुना, ऊन सिलाई पर चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर इसी में एक बार और सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, ऊन सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी ओर लाएंगे और फिर इसी फंदे में एक बार और सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। तो नेक्स्ट पांच फंदों को हम दाहिनी सिलाई में उतार लेंगे पांच, और पांचवें फंदे पर क्रमशः एक एक करके सभी फंदे गिराते चले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार। तो हमने पांचवें फंदे पे चार फंदे चढ़ा दिए। तो इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। नेक्स्ट फंदे में हमें एक से पांच फंदा बनाना है सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन के, उनको वापस अपनी ओर लाएंगे। लास्ट में चार फंदे बचेंगे, तो तीन फंदा हम दाहिनी सिलाई पे चढ़ा लेंगे और तीसरे फंदे पे क्रमशः दो फंदे गिरा देंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम सामने की तरफ हैं तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और इन पांच फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, उन दूसरी ओर करेंगे, छठा फंदा हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और अगले पांच फंदे उल्टे। उन दूसरी ओर करेंगे और लास्ट में दो फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो एक रंग के ऊन से दो लाइन बुनने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बुना जा रहा है। अब नेक्स्ट दो लाइन प्राइमरी कलर के ऊन से प्लेन बुना जाएगा, यानी पीछे से सभी फंदे उल्टे और सामने से सीधे। तो चार लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और इन्हीं चार लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराते जाना है, जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।